अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब इनको अच्छे से तैयार कर लें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मसल्स, एक इंसान जिस समय मसल्स की तादाद कितनी होती है, 639। नंबर ऑफ बोन्स, एक इंसान जिस समय हड्डियों की तादाद कितनी होती है, 206। नेक्स्ट है नंबर ऑफ किडनीज, एक इंसान जिस समय किडनी की तादाद कितनी होती है, 2। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत की तादाद कितनी होती है, 20। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिब्स, एक इंसान जिस समय रिब्स की तादाद कितनी होती है, 24। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। बट आप ये सब ऑब्जर्व कर लें, और आप अभी तैयारी भी कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये छोटी सी ही वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आपको ये MCQs भी प्रोवाइड कर दूँ। आप सब इनको क्या करें, अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है जी pH ऑफ ब्लड, ब्लड की pH कितनी होती है, 7.4। नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर, दरमियानी कान में हड्डियों की तादाद कितनी होती है, 6। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, फेस में हड्डियों की तादाद कितनी है, 14। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट, चेस्ट में हड्डियों की तादाद कितनी है, 25। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पंप्स इन हर्ट्स, हर्ट्स को पंप करने के कितने तरीके हैं, 2। लार्जेस्ट ऑर्गन, इंसान जिससे में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गन इधर पूछा हुआ, ये चीज़ नोट करनी है आपने, इधर ऑर्गन पूछा हुआ, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या कौन सा है, स्किन है। नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट ग्लैंड, अभी इधर देखें जो उधर पूछा हुआ था कि लार्जेस्ट ऑर्गन, और इधर पूछा हुआ लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है इंसान जिसमें, वो है लीवर। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है इंसान जिसमें, वो है ब्लड सेल। नेक्स्ट है एवरेज ब्लड वॉल्यूम, अब इधर पूछा हुआ है एवरेज ब्लड वॉल्यूम, और पीछे पूछा हुआ था ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इधर एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना है, 4 to 5 liters। नेक्स्ट है जी एवरेज लाइफ ऑफ RBC, RBC की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 120 days। अब इधर आप सबने ये भी याद कर लेना कि RBC का फुल फॉर्म क्या होती है, RBC रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ कितनी होती है, वो होती है 120 days। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, इंसानी जिस पाँव में कितनी हड्डी होती हैं, इंसानी पाँव में 33 हड्डी होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 27। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स, एक इंसानी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 का क्या बनता है, पेयर बनता है। अब नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, अब ये देखिए ऑर्गन भी आ गया है, ग्लैंड भी आ गया, अब इधर पूछो कि लार्जेस्ट सेल, तो आप सब ने इन तीनों को डिफरेंस लेके चलना है, और इसको आप ऐसे भी करें कि इनको राइट डाउन करते रहें ताकि आप सबको जब भी एग्ज़ाम्स हो एक बार देखें तो आपको याद हो। अभी तक पूछे हुए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो है नर्वस सेल। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 300। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। नेक्स्ट है यूनिट इज़ डेंसिटी, इज़ डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर क्यूब। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पीरिया। नेक्स्ट है रेड ग्रीन एंड ब्लू आर द, रेड ग्रीन एंड ब्लू ये कौन से कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ये रिपीट हो गया है, एम्पीरिया। तो आप सब ने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को एक से दो बार रीड कर लेनी है, इनको याद कर लेनी है। ये देखें बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और जो आपको आते भी होंगे, जो नहीं आते होंगे आप उनको याद कर लेना है, ये आप सबके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपने क्या करना है, और दूसरा आपने क्या करना है कि आप जैसे PPSC, FPSC या FIA के किसी भी किस्म की पोस्ट पे अप्लाई किया, अभी जो रिसेंटली जॉब आई हैं वो पंजाब पुलिस में आई है, उन सब पंजाब पुलिस का जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादातर कंप्यूटर के रिलेटिव चीज़ें आती हैं, तो कंप्यूटर का आप सबको 60-80% कंप्यूटर की चीज़ें आती हैं। बट जो नॉर्मल एक जर्नल क्वेश्चन होता है ना PPSC का वन पेपर के लिए, उनमें आप सब ने ये चीज़ें कवर करनी होती हैं, और हर स्रोत में एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि यही है तो आप पास होते हैं। अगर आप डाउट पे लगा देते हैं, मींस ठीक है ये A और B में दो में कन्फ्यूज़न है, लगाएं या नहीं लगाएं, तो आपको मसला होता है। तो आपने क्या करना है, इनको चीज़ों को अच्छे से याद करना है।
दो बार याद करें, चार बार याद करें, जो भी आपने PPSC की किसी भी किस्म की जो भी बुक ली हुई है उनको याद करें, याद करें, बार बार याद करें। एजुकेटर की जॉब्स तो पता नहीं कब आएंगी, बट अभी टाइम है उनको, जब तक आती हैं आप रीडिंग करते रहें, रीडिंग करते रहें, बार बार पंजाब टेक्स्ट बुक्स उठाएं कोई भी, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक्स अब चेंज हो चुकी हैं, जो चेंज हुई हैं जैसे मैथ की है, जनरल साइंस की है और बहुत सी हैं चेंज हुई हैं, उनको आप क्या करें, बार बार उनकी रीडिंग करें। रीडिंग करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये देखें 4 से लेके 10 तक की आपने रीडिंग करनी है ना, उनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप बुक्स उठाएं, रीडिंग करें, और जहाँ से भी जो भी आपको MCQs मिलते हैं MCQs को पिक करें, उनको जस्ट ये नहीं करें कि जैसे कि रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स आर प्राइमरी, ठीक है जस्ट ये पढ़ लिया ओके, नहीं, इनको 2-3 बार रीड करें और उसको याद करें। जब आपको याद हो जाए, आपको लगे कि अभी मुझे नहीं भूलेगा। ज़्यादा इशू जो आता है ना वो आता है सन में, असल में जब हम याद कर रहे होते हैं तो सन उस टाइम तो याद हो जाते हैं, जब हम कोई टेस्ट देते हैं उस टाइम आपको सबको लग रहा होता है कि ये क्या हुआ, मीन्स सन भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि सन को अच्छे से याद करें।